कौन है ये खाटू श्याम जी? तीन बाण से पूरा महाभारत समाप्त करने का काम संकल्प ले रखा था कौन? बरबरीक जी ने। तीन बाण से सारा युद्ध समाप्त। भगवान ने कहा, अच्छा यदि इस पीपल के पत्ते पर तुमने एक बाण से छेद कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम तीन बाण से पूरा महाभारत जीत लोगे या समाप्त कर दोगे। ठीक है, एक पांव पत्ते के नीचे, पांव के नीचे पत्ता दबा लिया भगवान ने और बाण चलाया। श्री बरबरीक जी ने चलाया बाण, एक बाण से सारे पत्तों में छेद हो गया। आश्चर्य मानेंगे आप लोग कि हरियाणा में आज भी कुरुक्षेत्र के पास वह गांव आज भी है और वह पीपल का पेड़ आज भी है जिसके आज भी उस पीपल के हर पत्ते पर आज भी छेद है। मतलब जब नया पीपल का नया पत्ता निकलता है उसमें आज भी छेद है, आज भी आप जाकर देख सकते हैं, आज भी। इस ये बात कितनी पुरानी है? 5000 साल पुरानी लगभग। भगवान ने तुरंत सिर काट दिया बरबरीक जी का। काल कर लूं, अच्छा बताइए, भगवान ने बरबरीक जी का सिर काट दिया तो क्या भगवान ने बरबरीक जी के साथ सही किया कि गलत किया? आपके हिसाब से भगवान ने सही किया कि गलत किया? भाई किसी का आपने सिर इसलिए काट लिया कि आप बहुत बड़े बलवान हैं, आप तीन बाण से पूरा युद्ध जीत लेंगे, तो आपका सिर काट दिया गया। तो भगवान ने सिर काट के सही किया भगवान श्री कृष्ण ने या गलत किया? जोर से सही किया। क्या सही था इसमें? सही किया, चलो मैं मान गया, मैं भी अभी कहूंगा कि सही किया, पर इस सही को सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे सही है? इस सही को सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे सिद्ध करेंगे आप? चलो हम बता दें आपको, ऐसे सिद्ध होगा कि भगवान ने कहा था कि तुम किसके पक्ष से युद्ध करोगे। बरबरीक जी ने कहा जो हारेगा मैं उसके पक्ष से युद्ध करूंगा। तो भगवान को पता था कि कौरव हारेंगे और कौरव हारेंगे तो यह कौरवों के पक्ष से युद्ध करेगा और कौरवों के पक्ष में यदि इतना बड़ा योद्धा खड़ा हो जाएगा तो कौरवों की शक्ति बढ़ जाएगी। और ये कौरव वही लोग हैं जो भरी सभा में एक नारी का अपमान करते हैं कपड़े उतारकर। तो ऐसे दुष्टों की सेना में ये जाकर उनका बल बढ़ाएं, इसलिए भगवान ने ना चाह करके भी सिर काट दिया। और सिर काटा, भगवान ने कहा बरबरीक बताओ मैं तुम्हारी क्या अभिलाषा पूरी करूं। अच्छा सिर कटने के बाद कोई जिंदा रहेगा क्या? बोलो। पर भगवान ने बरबरीक जी को जिंदा रखा ना, क्योंकि भगवान के हाथ में मृत्यु है साहब। भगवान मरे को जिंदा कर सकते हैं। बताइए भगवान श्री कृष्ण ने किस मरे आदमी को जिंदा किया था, बताओ आप? वो कौन है जिसको भगवान ने जिंदा, बताओ। हाँ मैया बताओ मेरी माँ, भगवान श्री कृष्ण ने वो कौन है जिसे मरे हुए को जीवित किया था? चलो भैया बताओ। नहीं, अभिमन्यु को नहीं जिंदा किया था, उनके पुत्र परीक्षित को। हाँ ये ठीक है आपकी बात, गर्भ में रक्षा की थी भगवान ने। पर एक और ज्वलंत बात, गुरु जी का पुत्र सांदीपनी उज्जैन में रहते थे। गुरु जी सांदीपनी जी उज्जैन में रहते थे जहां भगवान श्री कृष्ण पढ़ने गए और 64 दिन में 64 कलाएं सीखी, जहां पर सुदामा जी से भगवान की मित्रता हुई। वहां पर जब पढ़कर भगवान आने लगे तो भगवान ने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? तो गुरु जी ने कहा कि अपनी माँ से पूछ लो। तो गुरु माता से पूछने गए, गुरु माता जी आप बताओ क्या चाहिए, गुरु जी तो कुछ कह नहीं रहे हैं। तो गुरु माता ने कहा, कन्हैया तुम हमें छोड़कर ना जाओ, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। भगवान ने कहा, माँ मुझे तो जाना पड़ेगा, कुछ और मांग लो। तो फिर एक काम करो, मेरा बेटा था वो मर गया था, कई साल पहले मर गया था, उसकी बॉडी भी खत्म हो चुकी थी, हड्डियों का भी पता नहीं था,
हमें जिंदा करके दो, अब भगवान हो। अब भगवान तो भगवान है, ठीक है, चले यमराज के पास, चलो हमारे गुरुजी के बेटा को लाओ। महाराज बेटा की आत्मा तो है, सूक्ष्म शरीर तो है, शरीर का तो पता नहीं है। भगवान बोले शरीर हम बनाएंगे, लाओ शरीर। आत्मा ली, सूक्ष्म शरीर लिया, और भगवान है वो साहब, भगवान है जो एक उंगली से पहाड़ उठाने की ताकत। उन्हें सामान्य पुरुष ना कहा करो, सामान्य इंसान, सामान्य पुरुष मानना भी अपराध है। गुरुजी के मरे हुए पुत्र को शरीर बनाया भगवान ने अपने बल से, और आत्मा डाल दी, जिंदा करके दिया था गुरुजी का बेटा। ऐसे भगवान है। जो भगवान गुरु पुत्र को जीवित कर सकते हैं, वो बरवरीक जी के कटे हुए सिर को बचाए रखे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अब भगवान ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। बरवरीक ने कहा, मैं आपके हाथ से मरना चाहता था, इसलिए मैंने जिद की आपसे, मैं आपके हाथ से मृत्यु चाहता था। भगवान बोले, अब तुम मरोगे नहीं, इच्छा बताओ। बोले, मैं महाभारत देखना चाहता हूँ कि इस महाभारत में कौन योद्धा है। एक पर्वत के शिखर पर भगवान ने रख दिया कटा हुआ सिर, और कहा कि अब तुम्हें दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। रखा 18 दिन तक खूब युद्ध हुआ, युद्ध पूरा हुआ, पांडव जीत गए। कुछ दिन के बाद भगवान बरवरीक जी से मिलने गए पांडवों को लेकर। भगवान ने बरवरीक जी से कहा, भैया बताओ कि महाभारत में तुमने सबसे बड़ा योद्धा किसे माना है, किसे आप बड़ा योद्धा मानते हैं। अर्जुन को लगा अपने ही नाम आएगा, गांडीवधारी। भीम भैया बोले, हमारा गदा काम कर गया है। पर बरवरीक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु इस महाभारत में मुझे आपके सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। पांडवों का अर्जुन जो रथ छोड़ जो बाण छोड़ता था अपने गांडीव से, वो 10 कदम पे जाके गिर जाते थे, वो तो आपका सुदर्शन चक्र उन्हें गति प्रदान करता था, उन्हें बल प्रदान करता था। अब अर्जुन को समझ में आया कि महाभारत के असली हीरो हम नहीं, ना करते हुए भी भगवान सब करते हैं। जैसे महाभारत में कुछ ना करते हुए मेरे कन्हैया ने सब कुछ किया, भगवान ना करते हुए सब कुछ करते हैं। तो बरवरीक जी से कहा, अब तुम्हारी इच्छा बताओ। प्रभु बस आपका दर्शन हो गया, कोई कामना नहीं। भगवान बोले, सुनो तुम निर्दोष हो, तुमने कोई अपराध तो किया नहीं, मैं तुम्हें मृत्यु दंड किसका दूं, इसलिए जाओ अब से तुम खाटू में रहना, और मेरे अब तुम बरवरीक के नाम से नहीं, मेरा अपना, मेरे बहुत सारे नाम हैं, गोविंद है, गोपाल है, मनमोहन है, मदन मुरारी है, गिरिवरधारी है, दामोदर है, इनमें एक नाम है मेरा श्याम सुंदर। तो जो श्याम नाम है, वह श्याम नाम मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, तुम जाओ और खाटू में निवास करो, और तुम अब कलयुग में जो हार रहे हैं भक्त, उन हारे के सहारे बनते रहना, इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। और श्याम नाम भगवान ने प्रदान किया, तो श्याम के नाम से, चूंकि खाटू में विराजे तो खाटू श्याम कहते हैं। बोलिए, खाटू श्याम की ऐसी कथा है श्री खाटू नरेश की। इसलिए 3 बाण उनके पास आज भी हैं, आप देखते हैं, दर्शन करते हैं। हारे के सहारे, मतलब अब हारे के सहारे का मतलब ये नहीं कि तुम गलत काम करो और पुकार लो, हे खाटू श्याम हम तो गलत चोरी करते करते पकड़े गए, अब बचाओ। ऐसे हारे का सहारा नहीं है, जो सच के रास्ते पर है, और यदि उन्हें कोई कष्ट है तो भगवान, भगवान चाहे आप कृष्ण नाम को पुकार लो, राम नाम को पुकार लो, खाटू श्याम नाम को पुकार लो, गोविंद देव जी को पुकार लो, जो सच्चे मन से जिनको पुकारेंगे, क्योंकि सब एक ही है, तो आप पुकार लें, भगवान उस रूप में आकर के आपकी मदद करते हैं। इसलिए आपको पहले सच्चा बनना पड़ेगा। भगवान सत्य के साथी हैं, झूठ के साथी नहीं है। झूठ का साथ बरवरीक देने चले थे तो भगवान ने उनका भी सिर काट दिया, हाँ या ना। इसलिए भगवान सत्य का साथ देते हैं, झूठ का नहीं। अब आप सोचेंगे हम झूठा काम करें और भगवान रक्षा करें, इसलिए सच्चे काम करिए और
आगे बढ़ते रहे। तो ये भगवान आनंद के सागर हैं, भगवान का चिंतन करो, भगवान परम आनंद को प्रदान करने वाले हैं। संसार में जो सुख है वह क्षणिक है, इसलिए संसार का काम करना चाहिए, पर काम करते हुए बस ये याद रखे रहो कि हे नाथ मैं आपको कभी, सब बोलो मेरे संग, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा भगवान का स्मरण। ऐसे भगवान सतचित आनंद विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, राधा सहित श्री कृष्ण भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः।